हेलो स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नोट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आप लिख पा रहे हैं, वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जो कि सारे किताब जो कि रिफरेंस बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उन सबों का हेल्प से, अलग पांडे सर के वीडियो से, वेदांतु से, सारे जगह से कलेक्ट किए हुए डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, मटेरियल को एक जगह पे किया गया है। और दोस्तों, विश्वास कीजिए, ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। एग्जाम से इससे आगे आपसे नहीं पूछा जा सकता। इससे आगे कुछ होगा तो वो होगा एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल। तो आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ें और न्यूमेरिकल बना लें, एक्सरसाइज बना लें, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बना सकता है। तो आइए, आज हम शुरू करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे हम लोगों ने इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो नया बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, तो आज हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो नया डेफिनेशन हमसे ये कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। डेफिनेशन यही कह रहा है, इट इज ए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स, लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये नया डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का। अब हम इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ से समझेंगे, इसको नोट डाउन करें। तो आइए, अब हम लोग इस ग्राफ को समझने का कोशिश करें। तो जब सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट मिला हुआ है, तो उस टाइम में कैसा ग्राफ होगा टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का, ये उसको शो कर रहा है। जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको निकाल दिया गया, तो प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब जब प्योर सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम लोग फ्रोजन स्टेट कहते हैं, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग को देखना है तो कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ये इस ग्राफ से पता चल जाएगा। और कौन कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पता चलेगा कि सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो है, ये मान लीजिए टेम्परेचर टी नॉट एफ, यानी कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, ये है जो कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये जो है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो दो पॉइंट हमको मिल गया। अब हम लोग को डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इसका बराबर हो जाएगा जो बिगेस्ट अमाउंट है माइनस स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मान लीजिए टी एफ इधर रहता तो हम लोग को टी एफ यानी कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसमें माइनस करना रहता है, ये तो जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर दिए, तो ये चेंज इन टेम्परेचर मिल गया। फिर से समझे कि सॉल्यूशन जब नॉन वोलेटाइल होगा सॉल्यूट के साथ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ, तब इतने टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा। ठीक है, जब इससे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे निकाल लिए तो प्योर सॉल्वेंट बचा जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, तब इसका कुछ ऐसा ग्राफ होगा और इस टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा। ठीक है, और ये सॉलिड सॉल्वेंट जो है वो उसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दो हमको मिला, एक सॉल्यूशन का और एक प्योर सॉल्वेंट का, इस दोनों के बीच का डिफरेंस को अगर हम लोग निकाल लें तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद बड़े वाले अमाउंट से छोटे वाले को हम लोग माइनस कर दें तो वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ यहाँ समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों जैसा कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग देख रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था मोलालिटी के, तो सेम यहाँ पे भी वही होता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत सारे, इसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली कहा जा रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये कैसे हम कह रहे हैं, तो हम बेसिस मान लिए हैं कि एक्सपेरिमेंट को, और बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो यही रिजल्ट आ रहा है, तो इस बेसिस पे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के ये आया। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी बताने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट का यूज किए हैं, ठीक है, जो कि है के एफ। ठीक है, Kf को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो Kf है कांस्टेंट वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा KKg पर मोल। और जैसा कि हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन Kf, तो इस सिचुएशन में आप डिफाइन इसको करेंगे, इफ मोलरिटी बराबर 1 देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू केएफ कांस्टेंट। ठीक है, इफ मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1 देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू केएफ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें। तो आप यहाँ फॉर्मूला देखें कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एम जो कि मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालने जानते हैं, ये होता है मास बाय मोलर मास। तो मास सॉल्यूट का हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2 सॉल्यूट। ठीक है, 2 हम लोग सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं और 1 सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पे 2 यूज किया गया है, मास अपॉन मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया W1, 1 यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू जो है वो केजी में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इन केजी के टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो मोलालिटी बराबर हो गया, इसको 1000 के ऊपर लेके गए और मोलर मास को नीचे लेके आए, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो गया कॉन्स्टेंट इंटू मोलालिटी। तो कॉन्स्टेंट इंटू मोलालिटी का ये जो एक्सप्रेशन आया, इसको हम लोग उसके प्लेस पे पुट कर दिए। ठीक है, अब पुट करने के बाद तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर, ये ज्यादातर पूछा जाता है आपसे न्यूमेरिकल जब पूछे जाएंगे, तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें निकालना रहेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने इस टर्म में इसको निकाला है, तो ये इधर चला आया और ये जो है इधर चला गया, मतलब इक्वेशन में जो आपको चाहिए उसको इधर रखिए, बाकी सारे को इधर सॉल्व कर दीजिए, तो आपको वो वैल्यू निकल जाएगा। अब मान लीजिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना पूछ के कांस्टेंट का वैल्यू पूछ दिया, तो उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे बाकी सारे जो इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया समाप्त। एक पॉइंट और हम देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। तो दोस्तों अभी आपने इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक एक इक्वेशन निकाला था, और उस इक्वेशन में Kf और Kb एक कांस्टेंट वैल्यू था, वो ज्यादातर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में
लेकिन अच्छे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन में, जैसे आईटी और के क्वेश्चन में देखेंगे तो वो कांस्टेंट का जो है वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। तो वो कांस्टेंट का वैल्यू जो के बी और के एफ था वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का और आपको कांस्टेंट जो है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। तो के बी कॉन्स्टेंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का जो था उसका निकालने का फॉर्मूला है आर, यानी कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इंटू मोलर मास ऑफ, यहाँ पे वन है, वन का मतलब हो गया सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू चेंज इन हीट, चेंज इन हीट ड्यू टू वेपराइजेशन। वैसे ही कॉन्स्टेंट एफ, इसका वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग का स्क्वायर डिवाइड 1000 इंटू चेंज इन फ्यूजन, चेंज इन हीट ड्यू टू फ्यूजन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी निकालने के लिए। मान लीजिए आपसे जो अभी आपने इक्वेशन निकाला था उसमें कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है और आपसे निकालने कह दे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या तो कॉन्स्टेंट नहीं दिया हुआ रहेगा और कुछ आपको निकालना रहेगा, उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको पहले कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालना होगा जिसके लिए ये फॉर्मूला है, उसके बाद आप निकालेंगे उस फॉर्मूले में कॉन्स्टेंट का वैल्यू सेट करके जो आपसे निकालने कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए हमको पहले डिफ्यूजन को पढ़ना होगा, फिर हमको ऑस्मोसिस क्या है उसके बारे में जानना होगा, तब जाकर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को जानेंगे। तो आइए डिफ्यूजन को समझते हैं। तो मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये मेम्ब्रेन जिंडल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जिंडल मेम्ब्रेन जो होता है वो सॉल्वेंट को आने जाने आराम से दे देता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक वन है इस साइड और सॉल्यूशन टू उस साइड है, ठीक है, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन वन है मान लेते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सी टू मान लेते हैं, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वन जो है वो ग्रेटर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू के, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? तो डिफ्यूजन हमसे कहता है कि नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन जिधर होगा उधर से मूवमेंट होगा किसका, किसी भी सब्सटेंस का लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, कोई भी सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। कब तक? तो अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ साइड, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन C1 बराबर C2 ना हो जाए तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वन जो है वो ज्यादा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू से, तो सॉल्वेंट जो है वो इधर आएगा और सॉल्यूट जो है कॉन्सेंट्रेशन वन का वो उधर जाएगा, ठीक है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है उसका सॉल्वेंट मूवमेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस जो होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और ऑटोमेटिकली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें जो है सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है SPM, ये अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, सॉल्यूट को मूव करने नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम थ्रू SPM फ्रॉम P
प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है उससे एक इम्प्योर सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट में मदद करता है। ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, किसका? तो सॉल्वेंट का, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। तो जो मूवमेंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इम्प्योर सॉल्यूशन की तरफ होगा, और किसका होगा? तो सॉल्वेंट का होगा। ये मूवमेंट जो है वो डिल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भी हो सकता है। तो दो सॉल्यूशन होगा, एक तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ और एक डिल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान लिए कि कॉन्सेंट्रेशन वन जो है वो ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू से, तो टू से वन की तरफ सॉल्वेंट जो है वो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग देखें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये कैसा मेम्ब्रेन होता है। तो दोस्तों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक एनिमल मेम्ब्रेन होता है जो जिसको कि हम लोग सेलोफेन कहते हैं, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल देख लें तो CO2 Fe CN6 ये हो गया इसका एक एग्जांपल, और पोरस पॉट, पोरस पॉट जैसे घड़ा हो गया, घैला हो गया, ये सब इसको कहते हैं। तो आपने घड़ा घैला देखा होगा, उसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखते, इसको हम लोग पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो पोरस पॉट वही छोटे छोटे छेद वाले पॉट को, घैले को हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये भी एक SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है पोरस पॉट, ठीक है। अगर दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन पूछा गया तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि वैसा एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को होने में रोक दे, ऑस्मोसिस को रोक दे, ठीक है। तो डिफिनेशन आप देख दें, द हाइड्रोलिक प्रेशर जो कि एक एक्सटर्नल प्रेशर है बिल्ड अपॉन द सॉल्यूशन विच जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो सिंपली आप इतना छोटा इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, पूरा 100% करेक्ट है। अगर आप इसको और थोड़ा बड़ा लिखना चाहें, थोड़ा लॉन्गर वे में लिखना चाहें, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन जो कि हमसे कहता है कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो रहा था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो किससे? एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में। तो वही लिख सकते हैं, द एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन को देख ले। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझेंगे कि क्या कह रहा है ये हमसे, तो इसको नोट डाउन करें। ऑस्मोटिक प्रेशर को अब हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये दो माउथ है इसके, ठीक है। तो अब देखिए कि ऑस्मोसिस क्या था, कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर हम लोग कह लें प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ हुआ थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस साइड हम लोग देखें ये ऑस्मोसिस का केस हो गया, तो इस साइड में हम लोग ऐड करते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोगों ने ऐड किया इस साइड, तो कितना प्रेशर को ऐड करना है? तो इतना प्रेशर कि ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है ये स्टॉप हो जाए, जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ा था, द हाइड्रोलिक प्रेशर विच जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो इतना ही प्रेशर लगाना है जो कि बस इस मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर
एक्सटर्नल प्रेशर के फॉर्म में लगाएं हम इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय डिफॉल्ट लगेगा ही इस पे, इसमें जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया आपको डायग्राम। तो सॉल्वेंट मूवमेंट हो रहा था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट तो कभी रुके नहीं है, जितने भी चीज हुए सारे पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, हो रहे हैं। तो इस पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ऐसा देखा गया कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था किसका, मोलारिटी का। जैसे पिछले दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि वो भी एक्सपेरिमेंट से मोलारिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे डायरेक्टली, और ये जो है मोलारिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम लोग कंबाइन करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया एम और टी के, मोलारिटी के और टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट यूज किए आर। ठीक है, आर तो पाई इक्वल्स टू एम आर टी हो गया। ठीक है, तो जहां पे आर क्या है तो वो एक सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट है, या फिर आप इसको यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट से भी जानते हैं नाम से। तो ये गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, तो अब हम लोग ये वैल्यू हो गया पाई का, हम लोग समझे कि ये जो इक्वेशन आया है ये सही आया है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो पाई क्वेश्चन टू एम आर टी था, पाई क्वेश्चन टू एम आर टी, एम क्या है तो मोलारिटी है, मोलारिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो पाई पाई इक्वल्स टू एम का वैल्यू एन बाय वी को यहाँ पे हम लोग पुट किए तो एन बाय वी आर टी हो गया। ठीक है, तो ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन एक प्रेशर है तो हम लोग इसको प्रेशर के टर्म में पी लिख दिए। ठीक है, वी इधर आ गया और एन आर टी बच गया, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो आप लोग जान ही रहे हैं ये पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आया ये भी सही हो गया। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ वैल्यूज का मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। 1 एटीएम बराबर पास्कल्स के टर्म में 1.01 × 10⁻⁵ होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर के टर्म में 1.01 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये लगभग बराबर होता है 1.01 bar के भी, जो कि बराबर होता है 760 mmHg के, और 1 bar इक्वल टू 0.987 एटीएम होता है। दोस्तों आप ज़्यादा घबराएं नहीं, ये सब वैल्यू आपको याद करने नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको इन सभी वैल्यू का क्या वैल्यू लेना है, इन सभी टर्म का क्या वैल्यू लेना है आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहेगा। नए क्रिटेरिया के मुताबिक आपको इस सब का वैल्यू नहीं याद करना है। तो अभी आपको मैंने लिखा दिया क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को फेस करेंगे, तो उसके लिए ये सब यूजफुल हो सकते हैं, इसको भी नोट कर लें। तो दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक टेम्परेचर हम ले लें जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कंपेयर करें, तो मान लीजिए वो दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन के, दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसी एक टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर बराबर आए, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट इस गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशंस के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर सेम हो तो उसको आइसोटोनिक कहेंगे, और अगर सेम नहीं हो
इन केस वो सेम नहीं हो तो क्या होगा, जो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाले होंगे उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको टाइप्स इसके समझ में आ गए कि सिचुएशन में सॉल्यूशन को कैसा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कहेंगे, ये आप समझ गए। तो अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने का कोशिश कीजिए, ये जो सेटअप है ये कैसा सेटअप है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। दो कंटेनर है, एक में प्योर सॉल्वेंट है, एक में सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो इसमें देखिए कि आप लोग ऑस्मोसिस देखे, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया। अगर हम इसमें ऐड कर दें एक्स्ट्रा प्रेशर पाई तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टॉप हो गया, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोगों ने अभी तक इतना पढ़ लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया। अब हम लोग क्या करें कि और कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स मान लीजिए हम इसमें ऐड कर दें, और कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स हम लोग इसमें ऐड कर दें जो कि इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है उस पे लगने के कारण ये उल्टे डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो जाए। पहले क्या हो रहा था ऑस्मोसिस में, ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में जा रहा था। अब क्या होगा कि पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया गया तो जो मूवमेंट था वो स्टॉप हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और ज्यादा प्रेशर इसी साइड से लगा दिया गया, तो अब क्या हुआ कि सॉल्वेंट का जो है मूवमेंट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको थोड़ा डेफिनेशन में हम लोग लिखें, तो लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर देन, ज्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर के, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और ऐड कर दिया जाए, इज अप्लाइड, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो उल्टा डायरेक्शन हो जाए। जैसे प्योर सॉल्वेंट से ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन साइड में पुट कर दिए गए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा, तो अब क्या हुआ कि सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरह सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को पलट दिया जाए। जो डायरेक्शन होता है सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस में उसको हम लोग रिवर्स कर दें, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। तो इसको क्यों किया जाता है, तो आप आपके घर में ये होता होगा, मिनरल वाटर आप लोग पीते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इट इज यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, फॉर जो सी वाटर होता है, जो सैलिन वाटर होता है उसको डिसैलिनेशन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का हम लोग यूज करते हैं, फॉर फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर।
तो डिसैलिनेशन के लिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस लेक्चर को हम करते समाप्त, पढ़ते रहे, नोट्स बनाए, अगले दिन हम लोग वैन टॉप फैक्टर उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।